बना रहे ये प्यार सदा, रिश्तों का एहसास सदा, कभी ना आए इसमें दूरी, राखी लाए खुशियां पूरी। वह बचपन का लड़ना झगड़ना, वह पापा की मीठी सी झिड़की, वह माँ का प्यार अक्सर याद आ जाता है तब जब आता है राखी का त्योहार। ऑन दिस इमोशनल नोट, वेलकम फ्रेंड्स टू माई न्यू व्लॉग। जैसा कल रक्षाबंधन का फेस्टिवल है, तो मैं अपनी हल्दी टी सिप करते हुए यही प्लान कर रही थी कि उसको सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ से तैयारियाँ शुरू की जाए और कहाँ से शॉपिंग शुरू की जाए। आप देखिए फ्रेंड्स, आगे मेरी सिस्टर इन लॉ जो कि दूर रहती हैं, उनका पार्सल आया था राखी का और मैं उनके राखी कलेक्शन देख रही थी। बहुत ब्यूटीफुल राखी उन्होंने सेंड करी, जैसा कि मोस्ट ऑफ द ईयर्स में वो करती हैं। कभी कभी आप आती हैं और कभी कभी वो सेंड कर देती हैं। फिर मैंने अपना कलेक्शन भी पैक करना शुरू करा जो कि मुझे उनको कोरियर करना था। मैं सोच रही थी टाइमली कोरियर हो जाए तो राखियाँ टाइमली उनके पास पहुंच जाएंगी और वो बांध पाएंगे एक दूसरे के। अब ये मैंने एनवेलप में राखियां डाली और सोन डाला एंड रोली अक्षत सब डाल के पैक किया और एक प्यार भरा नोट रक्षाबंधन के लिए मैंने उस एनवेलप में डाल दिया। फिर मैंने उसको पैक करा और ये अब जाएगा स्पीड पोस्ट पर। सो फ्रेंड्स, मैंने प्लान किया कि आज ही मैं सारी शॉपिंग कंप्लीट कर लूँगी रक्षाबंधन की, जिससे कि कल मैं अपना फेस्टिवल पूरे जोर शोर से मना सकूँ। तो ये हम चले मॉल के अंदर और मैं चली शोरूम्स पर गिफ्ट्स देखने के लिए, बच्चों के लिए एंड बड़ों के लिए। शॉप पर पहुंचकर मैं कंफ्यूज हो गई कि कौन से एज ग्रुप के लिए कौन सा गिफ्ट एप्ट रहेगा, बट स्टिल कोप अप करते हुए मैंने सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट गिफ्ट्स परचेज करे और उनको गिफ्ट रैप करा लिया। तो एक काम डन हुआ मेरा। अब आप देखिए मॉल अपने कितने जोरों शोरों पे डेकोरेटेड है, कितना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है, बिकॉज इस टाइम पूरा फेस्टिविटी का टाइम चल रहा है और सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। अब हमें भूख लगी और हम मैकडी पहुंचे। अब फ्रेंड्स देखिए, हम अपने लोकल मार्केट की तरफ चले जो कि सेक्टर 10 में है। राखियां देखिए यहाँ बेहद खूबसूरत थी और यहाँ पे रक्षाबंधन की पूरी तैयारियां दिख रही थी। अब टाइम हो चुका था घर जाने का और मेरी शॉपिंग भी पूरी हो चुकी थी, तो लेट्स गो होम एंड हिट द बेड। बट बिफोर दैट, ग्रीन टी इज वेटिंग फॉर मी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ घर जाके शेयर करूँगी। तो गाइज, अब जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपना डिटॉक्स वाटर जो मैं नाइट में लेती हूँ बिफोर गोइंग टू बेड, वो मैं आपसे शेयर करूँगी रेसिपी। सो इट इज़ हियर। मैंने 1/2 लीटर ऑफ वाटर बॉईल करने के लिए रख दिया है फ्लेम्स पर। अब वो बॉईल हो गया है तो उसमें मैं कुछ मसालाज ऐड करती हूँ, होल मसालाज जो कि डिटॉक्स के लिए बहुत अच्छे हैं। उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और उनके बेनिफिट्स मैं फुटनोट्स में डाल दूँगी। आप देखिए कौन कौन से हैं। मैंने 2 इलायची ली है हरी वाली, 1 तेजपत्ता लिया है, 2 इंचेस सिनेमन स्टिक ली है, दालचीनी एंड ये है थोड़ी सी सौंफ। अब ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूंगी एंड अब आप देखेंगे ये थोड़ी देर के लिए बॉयल होगा। बॉयलिंग के बाद में मैं इसको सिफ्ट कर दूंगी स्ट्रेनर में अपने मग में एंड आई विल सिप दिस मसाला टी बिफोर हिटिंग माई बेड। हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। जैसा कि रक्षाबंधन की ब्यूटीफुल मॉर्निंग है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, गिफ्ट्स भी, राखी, चंदन, रोली सभी कुछ रेडी है। सिर्फ बचा है तो स्वीट्स, जो कि मैं जाते हुए स्वीट शॉप से परचेज करूंगी। आप मीठी सेवइयां तैयार करते हैं, जिसका भोग लगेगा सोन लगाने के लिए, उसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। ये लीजिए सेवई भी रेडी है मीठी वाली। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये देखिए मेरी सेवई बिल्कुल कंप्लीट है, कुक हो चुकी है, रेडी है। बस इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि आजकल बहुत मैजिक प्ले करता है, मैं इसमें शुगर नहीं डाल रही हूँ, मैं इसमें शक्कर डालूंगी टू मेक देम मोर हेल्दी एंड गिल्ट फ्री। सी, अब ये क्या शक्कर, छोटा बोल, 1/2 छोटा बोल मैंने इसमें शक्कर डाला है
एंड ये मेरी हेल्दी सेवई रेडी। हेयर कम्स द अटायर ऑफ द डे। And here I am ready, friends, for my Rakhi. मेरे रक्षाबंधन की शुरुआत बहुत ही स्पिरिचुअल तरीके से हुई। पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को अपनी पहली राखी बांधी और उनको मीठी सेवइयों का भोग लगाया। अब एंट्री गेट पर जाकर उसकी चौखट पर सोम जिमाने का जो कल्चर चला आ रहा है वो मैंने किया। अब सोन लगाए मैंने चौखट पर और कलावे और मीठी सेवइयों से उनको जिमाया। ये बहुत ही शुभ माना जाता है रक्षाबंधन के दिन और हर साल हम इस त्यौहार को ऐसे ही मनाते हैं। फैमिली एल्डर्स के लिए उनकी पसंदीदा मिठाइयाँ खरीदी और बच्चों के लिए हैम्पर्स देखने चली गई, जहाँ पर वैरायटी ऑफ हैम्पर्स थे, वैरायटी ऑफ आइटम्स थे, बट मैंने बच्चों के लिए सारे हैम्पर्स खरीदे और अब आगे की जर्नी के लिए निकल पड़ी। हेलो गाइस, अब हम पहुँचने वाले हैं अपने बड़े भैया एंड भाभी के पास में। सो पहला स्टॉप हमारा बड़े भैया के पास होगा। लेट्स चेक आउट, रक्षाबंधन स्टार्ट्स इन फुल स्विंग। अब मैं अपने इन-लॉज के यहाँ पहुंची, जहां पर वो सब वेट कर रहे थे रक्षाबंधन का और लंच भी बिल्कुल रेडी था। ये हमारी रक्षाबंधन हुई। आफ्टर लंच एंड रक्षाबंधन मैं अपने यंगर ब्रदर के यहाँ पहुंची रक्षाबंधन के लिए और ये अंदर जाकर सब लोग एक्साइटेडली वेट कर रहे थे। ये मेरी छोटी भाभी, ये मेरी मदर एंड ये उनके लड्डू गोपाल जी। राखी का धागा विश्वास और रक्षा का सिंबल होता है भाई बहन के बीच में। एंड भाई अपनी बहनों को कुछ गिफ्ट्स देते हैं टू शो देयर लव एंड बहनें ऑफ कोर्स अपने भाई की लॉन्ग लाइफ की कामना करते हुए उनकी राइट रिस्ट पे राखी बांधती हैं। सो यही फेस्टिवल था सारा रक्षाबंधन का, जो कि सेलिब्रेट होता है श्रवण मंथ में ऑन फुल मून डे, पूर्णिमा के दिन ये फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं। दिस बॉन्ड इज नाउ सेलिब्रेटेड बिटवीन सिस्टर एंड सिस्टर, सिस्टर एंड ब्रदर, सिस्टर एंड आंट्स एंड एनीबॉडी, बिकॉज ये एक सिक्योरिटी एंड लव का बॉन्ड होता है जो कि हर कोई सेलिब्रेट कर सकता है। मेरी छोटी भाभी ने कस्टमाइज्ड एंड डिजाइनर सोप्स अरेंज करी थी बच्चों के गिफ्ट्स के लिए। ये देखिए कितनी प्रिटी हैं, सबके नेम रिटन है उस पर एंड विद अ ब्यूटीफुल सेंट्स। और फिर हुआ स्नैक टाइम। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद हम आगे पहुंचे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ, जहां पर और दो छोटे भाई वेट कर रहे थे और तीसरे भाई रेडी हो रहे थे लड्डू गोपाल जी। पहली राखी लड्डू गोपाल जी को बांधी गई। Now it's time for Rakhi, gifts, love and loads of blessings. अब इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही अच्छे से और लव से सेलिब्रेट हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग बट ब्यूटिफुल डे फ्रेंड्स। आई होप एवरी ईयर ये ऐसे ही सेलिब्रेट होता रहेगा। सो फ्रेंड्स डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर लव्ड वंस। बाय बाय एंड थैंक यू।